Hey guys, welcome to my YouTube channel Anish Shah Classes. Today is my fifth class on issue of shares. Okay, today we are going to learn something different. That's excess application money rejected. Okay, for CMA Inter Group 2, it's too important because this can hit in your examination. Understood? This can hit in your examination. So see, issued 10,000 equity shares, application received 12,000 shares. Application money is 2 rupees, allotment is 5 rupees, and call money is 3 rupees. Understood? The same thing is there, but little bit difference is there. What is that? Company issues 12,000. Company issues 10,000 equity shares. Very good. But the application received from the public is 12,000 shares. Okay. And hua kya? 10,000 equity shares company issued kiya. Theek hai na? Lekin application jo aa gaya na public se, wo 12,000 shares ka aa gaya. Maine wo logo ko to malum nahi hai na kaun kitna shares liya, jisko jitna chahiye tha sab application bhara aur paise ke sath usko कंपनी के पास भेज दिया। उसका हुआ क्या? जो एक्सेस था ना, 2000 एक्सेस शेयर्स का जो पैसा आ गया, वो अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्ट कर दिया। कौन? कंपनी। तो इसका काउंटिंग कैसे होगा? सिंपल, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है कि नहीं है? कितने का भाई? पैसा तो आके 12,000 शेयर्स का, तो इस बार 2 रुपया इंटू 12,000 इज 24,000। ठीक है। दूसरा, इसके बाद क्या होता है? बैंक पैसा आने के बाद क्या होता है? कैपिटल में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, मेरी कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर देता है, लेकिन कितना करेगा? 12,000 का थोड़ी करेगा, नहीं 10,000 का करेगा, तो 2,000 का क्या होगा? रिजेक्ट। ठीक है ना? तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो क्रेडिट था उसको डेबिट किया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और बाकी पैसा वापस, पैसा आने से डेबिट और जाने से क्रेडिट, इसीलिए वापस कर रहे, तो टू बैंक हो जाएगा वापस, पैसा वापस। कितने का? 2000 शेयर्स का एक्स्ट्रा आ गया था ना, 2000 शेयर्स का, तो उसी को वापस करना है 2 रुपया करके, तो कितना होता है? 4,000 क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना? 10,000 इंटू 2, दैट इज 20,000, तो टोटल मिला है कितना? 24,000। 24,000 यहाँ पे क्रेडिट था, तो 24,000 यहाँ पे डेबिट हो गया। बस यही एक डिफरेंस था इसमें, ठीक है ना, यही एक डिफरेंस था, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, बाकी तो नॉर्मल है, बाकी जैसे हम लोग सीखे करके दिखा दे रहे हैं। कॉपी जल्दी करो, एरो वेरो मैंने समझने के लिए करना है, एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में एरो वेरो नहीं बनाना है। मतलब कह रहे अब नॉर्मल, अब अलॉटमेंट में क्या होता है? पहले कैपिटल में क्रिएट करते, उसके बाद पैसा मिलता है, यही तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये तीन नंबर एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 5 रुपया करके 10,000 शेयर्स का, 2,000 तो वापस कर दिए थे हम लोग, अब 10,000 शेयर्स बचा, तो कितना होता है? 50,000। 50,000 अब पैसा मांगेंगे, पैसा पूरा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 50,000। 50,000, ठीक है। फिफ्थ एंट्री कॉल का, पहले
कैपिटल में क्रेडिट करो, उसके बाद पैसा मांगो। तो इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 3 रुपये करके 10,000 शेयर्स का, 3 रुपये करके 10,000 शेयर्स का 30,000। लास्ट पैसा मांग लो, पैसा आ गया तो बैंक, पैसा आने से डेबिट तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट खत्म। यही है काम खत्म, यही है एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्टेड, दोनों की बात ठीक है ना। बस वही जो टू बैंक किया था ना हमने, वही डिफरेंस था ठीक है ना। इस तरीके का ट्रिक वाला क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में, इस तरीके से हैंडल करना ठीक है ना। अच्छा हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, वो नैरेशन नहीं लिख रहे हैं, नैरेशन में तो इतना तो मेच्योर हो कि लिख ही सकते हो ठीक है ना। अगला वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोराटा। प्रोराटा तो हर साल आता ही आता है, प्रोराटा हर साल आता ही आता है ठीक है ना। तो प्रोराटा भी अच्छे से करना है, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिजेक्टेड और दूसरा प्रोराटा करके ही जाना एग्जाम में ठीक है ना। इस टॉपिक के लिए कितने भाई।